इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारत के प्रमुख 50+ पर्वत श्रेणियां एंड पठार। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाता है कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें और रेलवे ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर 2021 के 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आपको डेली 8 बजे इसी तरह टॉपिक वाइज जीके अवेलेबल करवाया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब बात करता हूँ क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सुदूर पूर्वी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सुदूर पूर्वी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है अराकान योमा, जो कि म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोडविन ऑस्टिन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नामुड़ी, जो कि किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबा पर्वत है विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी पर्वत आपके उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसमी पहाड़ियाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है लूशाई, जिसे मिजो हिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश श्रेणी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश श्रेणी आपके तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है बैटलिंग सिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सारामती कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट सारामती आपके नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेकाल पर्वत श्रेणी आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। जिस तरह से मालवा का पठार आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसी तरह मेकाल पर्वत श्रेणी भी आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलायची की पहाड़ियाँ आपके केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारा हिल्स कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंजारा हिल्स आपके हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेटा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डोडा बेटा पर्वत चोटी आपके तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवमाली चोटी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवमाली चोटी आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना शिखर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सद्भावना शिखर आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरनार पर्वत आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेड हिल्स कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड हिल्स आपके पुडुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पालनी की पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेसाचलम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेसाचलम पहाड़ियाँ आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमाला श्रेणी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतमाला श्रेणी आपके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेव की पहाड़ियाँ आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकिर हिल्स कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिकिर हिल्स आपके असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होर्सले पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होर्सले पहाड़ियाँ आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियाँ आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें कन्फ्यूज ना हो आपकी, शिवालिक पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है, जबकि महादेव पहाड़ियाँ आपके मध्य प्रदेश में है, दोनों में कन्फ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आपके केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवादी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवादी की पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखें, नल्ला मलाई और अन्ना मलाई दोनों अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। अन्ना मलाई आपके केरल और तमिलनाडु में स्थित है, जबकि नल्ला मलाई आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली रात को 8 PM पर आपको इसी तरह टॉपिक वाइज के मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ आपके बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलाधार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधार की पहाड़ियाँ आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरनी हिल्स आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरियट पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेरियट पर्वत शिखर आपके दक्षिण अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणी आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेवराय हिल्स कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेवराय हिल्स आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में स्थित है। एंड लास्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ी को शमेत शिखर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी को शमेत शिखर के नाम से जाना जाता है।